हेलो एवरीवन एंड हेलो, वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा। मैं हूं अब्बास। और आज की जो हमारी वीडियो उसका टाइटल है इमर्जिंग इंडिया टॉप थिंग्स वेयर इंडिया इज वर्ल्ड लीडर पार्ट टू। तो इससे पहले हम पार्ट वन पर ऑलरेडी रिएक्ट हाँ कर बिल्कुल, चुके हैं, पार्ट वन हम देख तो चुके वो हैं। बहुत जबरदस्त वीडियो थी। इसमें हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला था हाँ इंडिया बिल्कुल, के इंडिया हवाले के से। हवाले से। एक तो हमने उसमें ये देखा था कि मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में जो है हाँ इंडिया इंडिया सबसे सबसे आगे है, आगे है। मतलब बिल्कुल कि वर्ल्ड लीडर है वो, सबसे बिल्कुल, ज्यादा हाँ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसकी जो वो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं जिस हाँ तरह बिल्कुल, वो, जो कंपोनेंट्स वो हाँ बनाते हैं, कंपोनेंट्स हैं। जो विंड मिल के लिए वो सब कुछ हाँ बनाते हैं, बिल्कुल तो वो सारे कंपोनेंट्स वो एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, बिल्कुल तो उसमें जो है इंडिया सबसे आगे। और इंडिया में बिल्कुल, जो है टॉलेस्ट स्टेचूज भी हाँ इंडिया टाले में है स्टेचू है इंडिया में, बिल्कुल, बिल्कुल तो स्टेचू ऑफ उसमें यूनिटी, हाँ बिल्कुल। और एक उसमें डायमंड सिटी भी थी, क्योंकि हाँ सूरत हाँ सिटी बिल्कुल, वहाँ पे जो है डायमंड पॉलिशिंग जो है वो इंडिया में सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा होती है होती है पूरी बिल्कुल दुनिया सूरत में। सिटी में। हाँ हाँ तो वो हमने देखा था। और इस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से थिंग्स हैं जिसमें इंडिया जो है वो वर्ल्ड हाँ लीडर है। बिल्कुल, वैसे आपने स्टैचूज की बात की तो स्टैचू पे हम लोग एक अलग वीडियो भी बना चुके हैं, हाँ जो टॉप बिल्कुल 5 स्टैचूज ऑफ इंडिया थे। उसमें वो एक वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो था वो बिल्कुल, टॉलेस्ट था, और एक वो एक दूसरा स्टैचू था वो बर्ड वाला, वो हाँ भी दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड बिल्कुल, स्टैचू बर्ड था। स्टेचू हाँ था वो तो उसमें वो उसमें भी हम लोग लीडर कंसिडर कर सकते बिल्कुल हैं उनको। और इसके साथ साथ हम लोगों ने वाई इज इंडिया ग्रेट पार्ट वन पार्ट टू भी देख चुके हैं, तो उसमें भी बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली सर्जरी के हवाले से, और उनके जो इसरो के हवाले से जो हाँ वो थे, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। तो आज हम इस वीडियो में देखें कि और कौन से फील्ड्स है जिसमें इंडिया वर्ल्ड लीडर है। बिल्कुल गाइज। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख देख रहे रहे हैं हैं, तो बिल्कुल, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप जरूर ज़रूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करें। लें। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में इंडिया के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है। लेट्स गो। इंडिया इज वर्ल्ड लीडर। इंडिया जो है इंडस्ट्री में बहुत हाँ आगे है, इंडस्ट्री में तो बहुत आगे, ये क्या बना रहे, मेरे ख्याल में कोई ब्रिज है। बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है, वर्ल्ड हाँ हाईएस्ट आर्क ब्रिज, वाओ, वाह वर्ल्ड हाईएस्ट, बहुत ज्यादा वो है हाइट पे, चिनाब ब्रिज। स्ट्रक्चर इज मेड यूजिंग स्टील एंड कंक्रीट, वाह वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्रेन्स क्रेन्स, आर बीइंग यूज्ड। हाँ बहुत ज्यादा हाइट पे वही यूज बिल्कुल, करेंगे। क्रेन भी उन्होंने हाँ इसके लिए पहले बनाई 350 होंगे। मीटर्स कितना प्यारा डिजाइन है। हाँ आर्क ब्रिज है ना, आर्क साइज में बना हाँ हुआ है। बिल्कुल, मुझे तो देख के हैरानी हो रही है हाँ कितना बिल्कुल बड़ा ब्रिज कैसे बनाया। इंडियन रेलवे टू कनेक्ट बक्कल एंड कोरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा कश्मीर एरिया में हाँ बना रहे कश्मीर हैं। साइड पे, वहाँ पे पहाड़ वगैरह ज्यादा हाँ है ना, बिल्कुल बर्फ भी हमें नजर आ रहा है इसमें। बिल्कुल, और रेलवे ट्रैक शायद बना रहे हाँ हैं। बिल्कुल अट्रैक्शन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया इज अमंग टॉप नेशंस दैट रिसीव हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोस। एफआई इन 2019 वाज 64.37 बिलियन डॉलर्स, बिल्कुल, बहुत वाह ज्यादा बहुत है। ज्यादा है। एमेजोन ओपन इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट कैंपस इन हैदराबाद, वाओ वर्ल्ड लार्जेस्ट, हाँ ना बिल्कुल यार अमेजिंग है ये तो। बिल्कुल अमेजिंग है। हैदराबाद सिटी पे भी हम लोग रिएक्ट कर चुके हाँ हैं, विद वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 15,000 15,000 एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, 3 times मोर देन सिएटल हेडक्वार्टर इन यूएसए, थ्री टाइम्स उससे वाओ बड़ा है। हाँ। स्टील यूज एंड बिगेस्ट, 2.4 times मोर देन होल आईफिल टावर, वाह टावर से ज्यादा उसमें यूज किए। एप्पल इज आइंग 1 billion इन्वेस्टमेंट इन हैदराबाद, एप्पल वाले हैदराबाद भी में आ कर रहे हैं। रहे हैं, हाँ मतलब हैदराबाद भी इनकी एक स्मार्ट सिटी हाँ बनने स्मार्ट वाली है। सिटी बन रही है क्योंकि अमेजोन का इतना बड़ा वो बन गया है। हाँ सैमसंग हैज, हाँ ये हमें पता था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल, इंडिया में बनाई है नोएडा सैमसंग, में एक और भी, हाँ नोएडा सिटी का नहीं पता लेकिन इंडिया में हाँ बना रहे हैं इसमें यहाँ बिल्कुल, पे लिखे हुए हैं नोएडा में, अच्छा नोएडा नोएडा सिटी पे बना रहे हैं। वो और इंडस्ट्रियल हब है ना। क्लोज्ड ऑल यूनिट्स इन चाइना एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इंडिया, वाओ रमोजी फिल्म हैदराबाद, रमोजी फिल्म सिटी वर्ल्ड लार्जेस्ट फिल्म सिटी, वाओ फिल्म सिटी, इसमें ये महल वगैरह, मतलब हाँ हॉलीवुड की तरह एक जगह बिल्कुल होगी।
रमोजी, ये भी हैदराबाद में है। हाँ जैसे मूवीज में घर होते हैं वो घर हैं। हाँ बिल्कुल। बालाजी हॉस्पिटल वो कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट हाउस, अच्छा ये वो अंबानी हाउस बिल्कुल। हाँ मैंने टेलिया 2 बिलियन कॉस्ट रिपेयर्ड भी है इसको। हाँ ये बहुत बड़ा है यार इनका घर तो। हाँ बहुत जबरदस्त भी कूल टाइप स्ट्रक्चर अमेजिंग। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट इन हेरिटेज सिटी ऑफ अहमदाबाद, अच्छा वो अहमदाबाद वाला। हाँ बिल्कुल अहमदाबाद वाला वो। हाँ वो मैंने रिवर आपको जो कहा था कि आर्टिफिशियल है। हाँ ये देखो बिल्कुल। बिल्कुल इन्होंने फिर इसको हाँ डिजाइन फिर किए इसको हुए सब डिजाइन कुछ किया और साइड सेट वगैरह भी से किया। सेट हाँ किए हुए है। 22.5 किलोमीटर लॉन्ग, वाह तरीन ने इसको डेवलप किया, वाह यार 12 बिलियन डॉलर बिलियन। उस पे आए हैं। बिल्डिंग वर्ल्ड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस, वर्ल्ड फास्टेस्ट है यार। हाँ काफी प्यारे बिल्डिंग है ये हाँ तो। वर्ल्ड टॉप 3 फास्टेस्ट एक्सचेंजेस आर इन इंडिया, गिफ्ट सिटी, दोनों गिफ्ट सिटी में, अच्छा न्यू सिटी जो इनकी गिफ्ट हाँ सिटी और एक मुंबई मुंबई में में। 6 माइक्रो सेकंड। हाँ कंस्ट्रक्टिंग क्रायोस्टेट वर्ल्ड लार्जेस्ट हाई प्रेशर वैक्यूम चैम्बर फॉर वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन टेस्ट साइट, वाह वर्ल्ड फर्स्ट, वाह इंडिया तो बहुत आगे है यार, ये तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा वो कर रहा है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट L&T has taken challenge to build it. मतलब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है हाँ 3,800 टन स्टील यूज टू मेक क्रायोस्टेट फ्यूजन टेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ ऐसी सारी चीजें तो हम डेवलप हाँ कंट्रीज से बिल्कुल। मतलब एक्सपेक्ट करते हैं। चैम्बर विल प्रोड्यूस 150 मिलियन सेंटीग्रेड मोर देन आवर सन विद इन वो फ्यू मीटर, देयर विल बी कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ विद इन 0 केल्विन। वाव यार इंडिया भी एक डेवलप सिटी तो क्या हम लोग कह रहे थे वो न्यू सुपर पावर में कि इंडिया हाँ नेक्स्ट सुपर पावर है। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग रेल रेल कोचेस कोचेस। बिल्कुल। हाँ हाँ रेल ही लोग और अपने ट्रेन बना रहे हैं 18 हम लोगों ने देखा था बिल्कुल। बिल्कुल। और उस पे एक हमारे फ्रेंड ने कमेंट किया था कि और भी ऐसी बहुत सारी लग्जरी ट्रेन हैं इंडिया में। हाँ अब तो ये लोग बुलेट ट्रेन हाँ की बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरर, वाओ बड़ी बड़ी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग हाँ करना भी बिल्कुल काफी मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल काम है। हम सफर प्रोडक्शन ऑफ 2,919 कोचेज अ ईयर, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। वैसे ये नंबर छोटा ये है मेरे लेकिन ख्याल में अगर चेन्नई में वो करते हैं हाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या ये नंबर छोटा है लेकिन अगर ट्रेन के डब्बे के हाँ हिसाब से रखे तो बहुत बड़ा नंबर बिल्कुल। है। आई सी एफ लोकेटेड इन चेन्नई, हाँ बिल्कुल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग रेल स्टेशन चेन्नई में। इस पे हमें अलग से रिएक्ट करना चाहिए, बिल्कुल देखना हाँ चाहिए अरे कहीं। रेल मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हाँ हैं। सस्पेंशन सिस्टम हाँ बना सिर्फ इज नोन टू प्रोड्यूस चीपेस्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन लाइक ट्रेन 18 विद हाई स्टैंडर्ड्स। हाँ ट्रेन बिल्कुल 18 हाँ भी और चीपेस्ट हाँ ट्रेन 18 पे हम लोग ने अलग से रिएक्ट किया। बिल्कुल ये बिल्कुल फ्रंट से इसी तरह था बिल्कुल। ऑल्सो प्रोड्यूस चीपेस्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन व्हिच इज एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, वाओ ड्राइवरलेस। हाँ ड्राइवर भी नहीं होगा इसमें।
वाव यार। बनाना तो मतलब वैसे भी मुश्किल है, इन चीजों को डिजाइन करना भी बहुत मुश्किल काम है। कंसीडर अमंग सेफेस्ट, सबसे सेफेस्ट है। और मेट्रोज भी ये लोग खुद बना रहे हैं, देखो ये बहुत बड़ी, बहुत सारी सिटीज में इनकी मेट्रोज है, चल रही है, वर्किंग में। कैपेबल ऑफ रनिंग मोर देन 140 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की स्पीड से। हाँ एक कोच बना लिए फ्रंट इंजन वाला। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया हैज बिकेम फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियाज ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम। वाओ, ऑस्ट्रेलिया ने मंगवा लिया। बिल्कुल यार, ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी कंट्री डेवलप, और वो इनसे मतलब इंपोर्ट्स कर रही है। बिल्कुल, मॉरिशस इज गोइंग टू बी सेकंड इंपोर्टर ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम। Amazing यार, बहुत जबरदस्त। तो गाइस यहाँ तक थी वीडियो, और लाइक मेरे पास तो काफी जबरदस्त वर्ड्स नहीं है कुछ बोलने के लिए, लाइक बहुत इंस्पायरिंग वीडियो थी तो मेरे लिए। लाइक मैंने इस तरह लाइक इतने ज्यादा इंडिया इतना ज्यादा आगे यार, मुझे ये नहीं पता था लाइक बिल्कुल सच में। हम लोग अगर जितना हम लोग तो बस यही बॉलीवुड की मूवीज ही देखते हैं, और बाकी जो है हम लोग के आपस में लाइक ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो हमारे न्यूज़ वाले उनके डेवलपमेंट और इन चीज़ों का इतना वो नहीं करते। लेकिन हमने जिस तरह इस पे एक्सप्लोर किया अपने इस चैनल पे, इस चैनल के जरिए, मैं तो बहुत हैरान हूँ कि वैसे अगर हम इनकी सिर्फ सिटीज देख लें तो सिटीज काफ़ी इन्होंने ज़बरदस्त प्लान सिटीज बनाई, और नई नई सिटीज बना रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल नेम दे रहे हैं कि मतलब ये साइबर हब होगा, ये इंडस्ट्रियल हब होगा। बेंगलोर को इन्होंने सिलिकॉन वैली का नाम दिया हुआ है, दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर बेंगलोर में। ये देख के मैं हैरान हो जाता हूँ, लाइक जितना हम लोगों ने इस चैनल में इंडिया को एक्सप्लोर किया, लाइक इस वीडियो में स्पेशली, सिर्फ इस वीडियो में, कि वो लोग इतने ज्यादा बड़े ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे हैं, ड्राइवरलेस मेट्रोज बना रहे हैं, और इतने बड़े बड़े ट्रेन बना रहे हैं, चीपर ईयर में वो लोग 2919 कोचेस वो बना रहे हैं। इतने यार लाइक इट्स मतलब अमेजिंग, इतने इतने कोचेस से तो तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत सारे 1000 तक तो ट्रेन, 1000 नहीं तकरीबन 200 तक इस तरह के ट्रेन बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लाइक इट्स अमेजिंग, लाइक इंडिया बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा, लाइक जितना हम लोग इस पे एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, हम लोग इंडिया के फैन बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी मैन्युफैक्चरिंग देख के मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ, मतलब इंडस्ट्री इस तरह के मैं बहुत मोटिवेट भी हो रहा हूँ। बिल्कुल, ये जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पे, और एक वो ब्रिज जो बना रहे थे, काफी ऊंचा ब्रिज था, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त वो बना रहे थे, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज था, आर्क ब्रिज बना, उसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा जबरदस्त था। बिल्कुल, और मुझे तो बस ये ट्रेन्स वाली बात ने बिल्कुल शॉक कर दिया बहुत ज्यादा। हमने तो सिर्फ यही सोचा था कि मतलब वहाँ पे ट्रेन 18 है, मतलब हम सिर्फ ट्रेन 18 बना रहे हैं, ट्रेन 18 को हम लोगों ने सिर्फ देखा था। लेकिन वो अपने मेट्रोस बना रहे, अपने ट्रेन्स बना रहे, वायर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, जिस कंट्रीज मतलब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया उन्होंने एक्सपोर्ट, और उन लोगों ने लाइक ड्राइवर लेस वो बना दिया, और उसके अलावा वो जो क्रायो वो बना रहे थे, क्रायो स्टेट का वो बना रहे थे, जो फ्यूजन वो के लिए, तो वो लाइक बहुत हैरानी की बात है, बहुत अमेजिंग है। ऐसी चीजें तो हमने मतलब वो क्रायो स्टेट की जिस तरह इन्होंने बात की, हमने सिर्फ किताबों में उनको देखा है और पढ़ा है। बिल्कुल, किस मतलब इस तरह ऑब्जर्व नहीं किया कि मतलब किया, हमारी कंट्री में भी इस तरह हो सकता है, या हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे ऐसा हो रहा है। लेकिन वहाँ पे ये वर्ल्ड फर्स्ट है, ये दुनिया का सबसे पहले है, मतलब इससे पहले किसी ने नहीं बनाया न्यूक्लियर फ्यूजन वाला। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट है, तो लाइक बहुत लाइक इवन अमेरिका और चाइना ने भी नहीं बनाया, इंडिया बना रहे हैं, तो इट्स ये बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पूरी दुनिया में आप फर्स्ट टाइम, अगर इन लोगों का ये सक्सेसफुल हो जाता है,
और हम दुआ भी करेंगे, उम्मीद भी करेंगे हाँ कि बिल्कुल, उम्मीद सक्सेसफुली करेंगे हो। हाँ सक्सेसफुल हो तो बहुत ज़्यादा लाइक ये लोग आगे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको बिल्कुल। फायदा और होगा। इंडिया जिस तरह मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा है, हाँ तो आगे टाइम में उनकी मतलब इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग होगी और इतने सारे बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स इनके होंगे, तो इकॉनमी इनकी तकरीबन टॉप पर ही हाँ जाएगी बिल्कुल, और ये सुपर पावर बन सकते हैं। बिल्कुल तो गाइज यहाँ तक थी वीडियो और यहाँ तक था हमारा रिएक्शन। अगर बिल्कुल। आपको हमारा हमारा रिएक्शन तो आप लोगों ने देख हाँ लिया कि बिल्कुल, बहुत हम लोग यार बिल्कुल शौक है, शॉक हो गए, बिल्कुल हमारे लिए इंस्पायरिंग था, हाँ बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था इंस्पायरिंग था, हमारे बहुत ज़्यादा लिए मोटिवेटिंग था। और लाइक हम लोग चाहते हैं कि लाइक हमारी कंट्री भी इसी तरह, हम बिल्कुल लोग आइडियलाइज कर रहे हैं उनको कि वो जितना ग्रोथ करें, लाइक हम एक ही साथ बिल्कुल। सेपरेट हुए हैं। हमें दूर बिल्कुल किसी और को नहीं देखना हाँ चाहिए, हमारे बिल्कुल, अपने साथ साथ जो नेबर इंडिया है, हाँ अगर बिल्कुल, हम सिर्फ उसको भी देख ले और उनको वो जो काम कर रहे हैं वही काम हम भी शुरू हाँ कर ले, तो बिल्कुल, हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत अचीवमेंट बड़ी होगी ये। अचीवमेंट है। तो गाइज यहाँ तक थी हमारी वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बिल्कुल और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और इस तरह अगर और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ हो जरूर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो आप हमारे साथ शेयर करें, उस पर हम जरूर रिएक्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। गुड बाय।